बहुत बहुत धन्यवाद. आपने वैदिक कला की ओर संकेतित किया है, जो पहली कला के रूप में कृषि कला, जो वेद का अध्ययन व अध्यापन आजकल नेपाल में जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में आपने अवगत कराया. कला, कलह और कली, ये तीन शब्दों के बारे में अपने अच्छी उसमें अपना मंतव्य रखा है. और हम लोग जानते हैं वो वैदिक मंत्र कृषिमित कृषस्व बीते रमस्व बहुमन्यमान, वहाँ मंत्र में उसमें कहा गया है जो केवल जो है कृषि कार्य करने के लिए हम लोग आगे प्रवृत्त हों. और वित्ते रमस्व बहुमन्यमान, अपने पास में जितना वित्त है, जितना धन है, उसको हम माने कि मेरे पास इतना जो है पर्याप्त धन है. अगर वो लालसा वहां पर समाप्त नहीं होती, फिर अक्षय महादिव्य है, इसलिए कहना पड़ा अक्षय महादिव्य. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आगे जो हम लोग चिर प्रतीक्षित है, जिनका भाषण सुनने के लिए हम लोग यहाँ व्यग्र हैं, तो ऐसे जो मुख्य वक्ता के रूप में आज इस सभागार में उपस्थित हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक जो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष, केवल दर्शन शास्त्र के विभिन्न विधाओं के ऊपर जैन जी बोधि जी जो इसमें पारंगत हैं, भारतीय परंपरा को जो आगे लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्वान एवं दार्शनिक, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया अपने वक्तृत्व से, अपने भाषण से हमें अनुग्रहित करें प्रोफेसर भट्ट जी. हम लोग करतल ध्वनि का स्वागत करते हैं. मंचस्थ एवं सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन सबको नमस्कार. विषय परिवर्तन करूं उसके पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में दो बातें कहना चाहूंगा. विषय प्रबुद्ध मानव के लिए कैसे सार्थक जीवन व्यतीत किया जाए और जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की जाए, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है. इसके लिए हमने चर्चा के लिए कला का माध्यम रखा है. यहाँ पर कम लाती बताया गया है, आनंद कम आनंद के लिए आता है, तो आनंद ही हमारा चरम लक्ष्य है, चरम साध्य है, प्राप्य है. तो आनंद की मीमांसा होनी चाहिए और इस मीमांसा में जो हमें परिप्रेक्ष्य लेना है वो है वैदिक. अनंता वै वेदा, वैदिक परिप्रेक्ष्य एकांगी नहीं है. मानव का अस्तित्व और स्वरूप भी एकांगी नहीं है, अनेक पक्ष हैं, अनेक स्तर हैं और सभी में हम उदात्तीकरण के द्वारा आनंद की प्राप्ति का प्रयास करते हैं. तो इसलिए आनंद जो है वह असीमित है, किसी एक पक्ष तक ही सीमित नहीं है. भले ही हम 64 कलाओं की बात कर लेते हैं, लेकिन कलाओं की कोई सीमित संख्या नहीं की जा सकती. और जहां तक वैदिक परिप्रेक्ष्य का सवाल है, वैदिक परिप्रेक्ष्य परंपरागत है. परंपरा का तात्पर्य है जो भूतकाल में समुपस्थित हो, वर्तमान में भी जो अस्तित्व में रहे और जो भविष्य उन्मुखी हो. अतः हम भविष्य में भी नई कलाओं का उद्घाटन हो सकता है, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए. सीमित हम कला के क्षेत्र को या परिधि को नहीं कर सकते. अब जहां तक आनंद की प्राप्ति का सवाल है, यह मानव जीवन की एक आकांक्षा है,
और उसकी पूर्ति का प्रयास। हम यह मान के चलते हैं कि सत्ता का स्वरूप आनंद है या आनंदमय है, आनंदम ब्रह्मणो रूपम, और वह स्वरूप सच्चिदानंद के रूप में व्याख्यायित हुआ है। अर्थात हम सत का आधार लिए चित्त के माध्यम से आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। आधार तो हमारा अस्तित्व होगा, अस्तित्व के प्रति चेतना होनी चाहिए कि अस्तित्व का मूल स्वरूप क्या है और वस्तित्व का वर्तमान स्वरूप क्या है जो हमें अनुभव में आ रहा है, और इस प्रकार की स्वचेतना के द्वारा हम कैसे जीवन में उदात्तीकरण ला सकते हैं, इसको कि हम संस्कृति कहते हैं, और उस संस्कृति की प्राप्ति के लिए हम संस्कार का जो है आधार लेते हैं, तो वह किस प्रकार से हमारे सामने हमारे अंतिम लक्ष्य को हम तक हमें पहुंचा सके। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म का स्वरूप आनंद है या आनंदमय है, और वह आनंद जो है वह असीमित है, स्थायी है, क्योंकि जो सीमित है वह स्थायी आनंद नहीं दे सकता। सांदोग्य उपनिषद में इसलिए कहा है यद्वा भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, लेकिन व्यवहार में सांसारिक जीवन में हम पाते हैं कि जो आनंद हमें अनुभूत होता है वह भूमा रूप नहीं है, क्योंकि जैसा कि बतलाया गया है अविद्या के कारण हमारा आनंद स्वरूप है वह आच्छादित हो गया है। अविद्या का मतलब अल्प ज्ञान, अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं, अल्प ज्ञान, हमको अपने स्वयं के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, हमारे सम्मुख जो विश्व है उसके बारे में भी हमें सम्यक ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना आप कला का पोषण नहीं कर सकते और बिना कला के आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, तो ज्ञान की महिमा हमारे यहाँ पर हमेशा रही है। वर्तमान संदर्भ में हमें जो जानना पड़ेगा कि आनंद किसे कहते हैं, आनंद के साधन क्या हैं, और किस रूप में हम वर्तमान में आनंद का भोग कर रहे हैं, और कैसे इस रूप से आगे हम बढ़ सकते हैं। हमारी संस्कृति में इसलिए यह स्पष्ट कहा गया है कि आनंद के दो स्तर हमें मानने पड़ेंगे, एक पारमार्थिक स्तर और दूसरा व्यावहारिक स्तर, एक श्रेयस का स्तर और दूसरा प्रेयस का स्तर, दोनों के बारे में स्पष्ट विवेचन आवश्यक है। जहाँ तक पारमार्थिक स्तर का संबंध है, यह वह आनंद है जो हमें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था के परे जाकर के प्राप्त होता है, जिसे मांडुक्य उपनिषद में तुरीय अवस्था के रूप में वर्णित किया है। अभिनव गुप्त ने तुरीयातीत की भी चर्चा की है, क्योंकि तुरीय भी कोष है और कोष से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, यह अभिनव गुप्त का मंतव्य है। तो जो पारमार्थिक आनंद है वह विवेच्य नहीं है, उसकी मीमांसा नहीं हो सकती, वो तो मात्र अनुभूति का विषय है, वो हमें अनुभूति से ही उसे ग्रहण करना पड़ेगा। अर्थात
जो पारमार्थिक आनंद है वह देह प्राण मन और बुद्धि इन चारों का अतिक्रमण करके हमें प्राप्त हो सकता है और वही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद उसको कहा है परमागति, सातु परमागति वो अंतिम लक्ष्य है। लेकिन हमें अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने के पहले जो बात अपर लक्ष्य हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपर से ही हम पर की ओर जा सकते हैं। हमें देह का आनंद का भी ध्यान रखना है, प्राण का, मन का, बुद्धि का, और तब जाकर के हम इनका अतिक्रमण करके ये तो अपर हैं हम पर की ओर जा सकते हैं। अंग्रेजी शब्दों तो हमें ग्रेडेड और ग्रेजुअल रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी प्रेयस है जिसे हम अपर कहेंगे वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे आगे जाकर के हमें श्रेयस की प्राप्ति में ही परिणत होना है। तो प्रेयस और श्रेयस का भेद, व्यवहार और परमार्थ का भेद हमारी संस्कृति में, बहुत वैदिक संस्कृति में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हुआ है। व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ चल सकते हैं, ईशोपनिषद का कथन है। विद्या और अविद्या, संबुद्धि और असंबुद्धि उभयो सह दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि नागार्जुन ने कहा है मूल माध्यमिक कारिका में, व्यवहारम अनादित्य परमार्थो न दृश्यते। व्यवहार को की उपेक्षा करके आप परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ चतुष्टय की जो कल्पना हुई है उसमें अर्थ और काम को पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन यह बतलाया गया है कि अर्थ और काम की प्राप्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। अर्थ जो है वह अनर्थकारी न हो, काम कामाचार के रूप में न हो, इसीलिए धर्म से संयुक्त होना उनके लिए आवश्यक है। लेकिन अर्थ और काम की महत्ता है। हमारे यहाँ पर बहुत लंबी अर्थशास्त्र की परंपरा रही है। कौटिल्य ने उन परंपराओं को समाहित करके संक्षिप्त में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ कामशास्त्र की परंपरा रही है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उसको हमारे सामने सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। तो अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं जो हमें आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। उन पर ध्यान देना जो है वह कला का एक लक्ष्य होना चाहिए। वैसे तो जैसा कि मैंने कहा, पारमार्थिक आनंद मात्र अनुभूति का विषय है, विवेचन का नहीं। लेकिन जो व्यावहारिक आनंद है जिसे हम सुख की संज्ञा देते हैं वो विवेचनीय है। और हमारे यहाँ पर बड़ी प्रगाढ़ मीमांसा हुई है रस मीमांसा के नाम से, और वो प्रारंभिक भरत से ही होती है। रस मीमांसा में हम यह जानना चाहेंगे कि रस क्या है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, उस निष्पत्ति के क्या क्या कारक या जनक तत्व हैं। हमारे यहाँ पर इसीलिए स्थाई भाव, विभाव, अनुभव की विशेष चर्चा हुई है। और भरत मुनि ने कहा है कि रस की निष्पत्ति जो है इन सब के संयोग से होती है। संयोग शब्द का प्रयोग तो उन्होंने किया है, वह न्याय दर्शन की परंपरा वाला संयोग नहीं है।
वो संयोग जो है अंग्रेजी शब्दावली में एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। इसीलिए भरत मुनि ने एक उपमा दी है सांडव रस की, जिसको कि हम वर्तमान में जैसे कि दक्षिण भारत में हमको जो है वो जब हम इडली के साथ साथ खाते हैं सांभर, सांभर जो है उसमें अनेक प्रकार के तत्व समाहित होते हैं और वो सम्मिश्रित होकर के एकाकार हो जाते हैं, तो संभवतः सांभर रस उसका नाम उस समय में शायद सांभर को कहते होंगे, एक कंजेक्चर है। खैर ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए तभी रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति के लिए सभी समर्थ तो हैं, वैसे तो स्वल्प रूप में हर प्राणी समर्थ है, हर प्राणी सुख की चाहना करता है, लेकिन मानव अधिक सचेतन है तो वह उसके लिए व्यवस्थित प्रयास करता है। और मानव में एक विशेष क्षमता है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है प्रतिभा। प्रतिभा से ही हम रस की निष्पत्ति कर पाते हैं। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है लेकिन उस प्रतिभा को उद्घाटित नहीं कर पाता है, उसके लिए उचित अवसर की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रतिभावान है वही कलाकार हो सकता है, वही आनंद की निष्पत्ति कर सकता है। आनंद की निष्पत्ति का तात्पर्य रस का आस्वादन, रसास्वादन। कलाकार का कार्य है स्वयं रस का आस्वादन करना। कलाकार रसज्ञ होता है लेकिन वह स्वयं तक ही अपने आनंद को सीमित नहीं करवाना चाहता है, वह आनंद को फैलाना चाहता है, वितरित करना चाहता है। कम व्यतनोति, आनंद का विस्तार करना। और आनंद का विस्तार करने का मतलब है दूसरों को उस आनंद में सहभागी बनाना, जिसको कि हम को शेयरिंग अंग्रेजी में कहते हैं, पार्टेकिंग जिसको हम कहते हैं। और वह कब हो सकता है कि जो सहभागी होना चाहता है वह सहृदय होना चाहिए। सहृदय को मैं कहना चाहूँ समान हृदय वाला, जैसा रसज्ञ का हृदय है वैसा ही उसका भी हृदय होना चाहिए, जिसे को हम कहते हैं कला का पारखी। तो रसज्ञ होना और सहृदय होना, ताकि एक और हम टेक्निकल शब्द का प्रयोग करते हैं साधारणीकरण। साधारणीकरण का तात्पर्य होता है कि जो भी कला के प्रति प्रस्तुत होता है वह उस प्रकार की भावना को स्वयं में भी उतारे, जैसा उन्मेष रसज्ञ में है वैसा ही उन्मेष जो है या स्पंदन वह सहृदय में भी होना चाहिए, अन्यथा कला का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। तो इसको हम मैं टेक्निकल शब्दों से मैं तीन रूपों में प्रस्तुत करता हूँ। जो रसज्ञ है वह इच्छा युक्त है। इच्छा का तात्पर्य ज्ञान और इच्छा का समन्वय, उसको इच्छा कहा गया है हमारी टेक्निकल पदावली में। जो कलाकार है
उसमें वो इच्छा संपन्न होता है, वो इच्छा प्रतिभा से ही आती है, वो स्वयं उस पर विचार कर सकता है, उसको हम अनविक्षा कहते हैं, अनु इच्छा। लेकिन जब दूसरे उस पर विचार करते हैं तो उसको हम परीक्षा कहते हैं, इच्छा अनविक्षा और परीक्षा। जो परीक्षा करता है उसके लिए हमारे यहाँ एक टेक्निकल टर्म है पंडित, कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पंडितः। पंडित का कार्य जो है वो समीक्षा करना है, परीक्षा करना है, रसज्ञ और जो सहृदय है वो तो रसानुभूति करता है और करना ही चाहिए, तभी वो संज्ञा दी जाएगी। लेकिन पंडित जो है वो रसानुभूति करे या आवश्यक नहीं है, पंडित तो मात्र विवेचन करता है। हम लोग प्राय उस श्रेणी में आएंगे, हम विवेचन ही कर रहे हैं, स्वयं रस का अनुभव प्राय नहीं कर पाते हैं। लेकिन आवश्यक है कि पंडित भी रसज्ञ हो, तभी वह उसको उस कला का न केवल विवेचन करे, उसका स्वयं भी अनुभव करे और उससे वह आनंदित हो। खैर, हमारे यहाँ पर कला के लिए साधन की व्यवस्था हुई है। कला तो आनंद जो है वह तो साध्य है, चरम साध्य है, कला उसके लिए साधन है। लेकिन कला के लिए भी कुछ इति कर्तव्यताएं होती हैं, उसका बड़ा विशद विवेचन हमारे यहाँ पर हुआ है। कुछ कृषि कला के बारे में आपने बतला दिया, भरत मुनि ने नृत्य नाटक संगीत के बारे में विवेचन किया, और यहाँ हमने क्योंकि वैदिक परिप्रेक्ष्य बतला रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि ऋग्वेद से हम वाक को लेते हैं, ऋग्वेद का संबंध वाचा से है। हम सामवेद को हम गान से संबंधित करते हैं, सामवेद का गान से संबंध है। हम यजुष को अभिनय से संबंधित करते हैं। ये मेरा मंतव्य नहीं, भरत मुनि का मंतव्य है जो कि यहाँ मैं बतला रहा हूँ। और अथर्ववेद जो है वो रसास्वादन के लिए है, और उसमें ही विवेचन अधिक रस का हमें होता है। अथर्ववेद हमारे यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने भ्रांति उठा रखी थी कि त्रयी के अंतर्गत जो है वो केवल ऋग साम और यजुष ही आते हैं, अथर्व नहीं आता। इसे त्रयी जो है वह अभिव्यक्ति का माध्यम है और अथर्व में तीनों माध्यम हैं। अथर्व इसलिए अंतिम तो है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और जीवन के विभिन्न पक्षों को वहाँ पे उद्घाटित हुआ है, उनके जो है उद्दातीकरण के लिए वहाँ पर हमें विचार मिलता है। तो मेरी दृष्टि से अथर्ववेद बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपने कृषि के बारे में बतलाया, अथर्ववेद में जो भूमि सूक्त है, पृथ्वी सूक्त जिसे कहते हैं, इतना महत्वपूर्ण है, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। खैर, हम मैं 5 मिनट और लूंगा। हमारे यहाँ त्रिमूर्ति की कल्पना है, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, उनको भी हम कला के साथ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो नाटक का सृजन करता है, हम मानते हैं विष्णु जो है वे अभिनय करते हैं, और अभिनय करने के अनेक प्रकार हो सकते हैं। भगवान कृष्ण को हम सर्वोत्कृष्ट कलाकार के रूप में स्वीकार करते हैं अभिनय के कारण, और जो शिव हैं वो नृत्य में निपुण हैं। वैसे तो कृष्ण को भी हम नटनागर कहते हैं, लेकिन शिव जो है वह नृत्य करते हैं, शिव के नृत्य से ही सारी सृष्टि का उद्भव होता है। वही जो है ननाद धक्काम
नवपंच वारम जो है वो शिव उसी से जो है सारे वांग्मय की उत्पत्ति होती है। तो शिव की हमारे यहाँ पर बड़ी महिमा रही है। अतः आवश्यकता यह है कि हमारी संस्कृति तो समन्वयवादी संस्कृति है, और बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र में तो जो चौथा सूत्र बतलाया है, तत्तु समन्वयात, सर्वांगी और समन्वयवादी हमारी सृष्टि रही है। भरत मुनि ने भी इसीलिए जो है स्थायी भाव, विभाव और अनुभव की योजना, वहाँ योजना शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, इट्स नॉट ए हॉडपॉज, ऑर्गेनिक यूनिटी। तो वो योजना जो है वह हमें सब तरफ हमको अनुभव में आनी चाहिए। यह हमारी संस्कृति का उपदेश है, आदेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी हमें वही योजना देखनी है, जो चार वेद हैं उनमें भी हमें वही योजना देखनी है, जो चार पुरुषार्थ हैं उनमें भी हमें वही योजना देखनी है। तो ये जितनी भी कलाएं हैं, ये कलाएं भी एकांगी नहीं हो सकती, इनमें भी परस्पर योजना होनी चाहिए। चाहे वह कृषि हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे वह अर्थोपार्जन हो, चाहे वह आरोग्य से संबंधित, सब में एक प्रकार की सिंथेटिक यूनिटी देखनी चाहिए। यह हमारी संस्कृति का जो है उपदेश रहा है। तो हमारी अंतिम में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति ने यह बतलाया है कि जो प्रकृति प्रदत्त क्षमताएं हैं जिससे कलाओं की उद्भावना होती है, वो विकृति को प्राप्त न हो। इसके बजाय उनमें उदात्तीकरण हो। जो प्राकृतिक है वो सांस्कृतिक भी हो, प्रकृति को संस्कृत किया जाए। क्षमताओं प्रकृति में वो क्षमता है जो अपने आप को परिष्कृत के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। हमारी बुद्धि है, बुद्धि को हम प्रकर्ष की ओर ले जा सकते हैं, दियो योना प्रचोदयात, कर सकते हैं। हमें मन है, मन जो है हमारा वह निकृष्ट भी हो सकता है, वह उत्कृष्ट भी हो सकता है। जो कर्ष है वह दोनों तरफ से होता है, नीचे की ओर भी हो सकता है, ऊपर की ओर भी हो सकता है। तो निकृष्ट न हो, उत्कृष्ट की ओर, उत्क्रांति की ओर हम बढ़ें, यह हमारी संस्कृति का उपदेश रहा है। तो कला जो है वह हमें संस्कृत करे संस्कारों के द्वारा। संस्कारों का भी बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पर। तो संस्कारों के द्वारा हम हमारे जीवन को सुसंस्कृत करें, आनंदित करें, और सीमित आनंद का उपभोग करके, उसका अतिक्रमण करके स्थायी आनंद की ओर, चरम आनंद की ओर हम प्रस्तुत हों। वैसे पाश्चात्य विचारकों ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, कल्चर और सिविलाइजेशन, और दोनों में क्या अंतर है वो खुद भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, हम प्रयोग कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो संस्कृत है वह सभ्य होना चाहिए। संस्कृति जो है वह सभ्यता की जनक है। जो संस्कृत है वही सभ्य है, जो असंस्कृत है वह असभ्य होगा। और उसी के लिए अपने कुछ पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग करते हैं। भगवद गीता में जो है हमारे यहाँ शेष शब्द का प्रयोग हुआ है, या हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में महाजन, महाजनों, महाजन शब्द का प्रयोग हुआ है, आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जब हम कहते हैं कृणवंतु विश्वमार्यम, वहाँ आर्य कोई जाति सूचक नहीं है। दुर्भाग्य से खैर आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी हटाया, लेकिन आर्य शब्द जातिवाचक है यह भी हमने जो है मालूम नहीं। ये एक डी कॉलोनाइजेशन की आवश्यकता है, कॉलोनाइज माइंड की चर्चा हुई है। ये कॉलोनाइज माइंड जो है, ये जिसको कि इंडोलॉजी कहते हैं, मैं इस कहता हूँ इंडोलॉजी शब्द जो है वो भी हमारी डिक्शनरी से हमें निकाल देना चाहिए। ये इंडोलॉजी जो है ये जर्मन लोगों का, और बाद में ब्रिटिश और
क्षमा करें, मैं कुछ विदेशी विचारकों का उल्लेख कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके दोषों को बतला रहा हूँ। उनके गुण बहुत हैं, उनके गुणों को तो हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि हमारे वेद के ऋषि कहते हैं ना कि हम जो है सब तरह से जो भी श्रेष्ठ तत्व हो वो स्वीकार करने चाहिए। तो गुणों की ग्राहकता तो हमें होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हम गुणों को तो नहीं स्वीकार करके उनके दोषों को स्वीकार कर रहे हैं, और परिणाम स्वरूप जो यथेष्ट आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए कलाओं के माध्यम से वो नहीं हो रही है। जैसे कि आज के सिनेमा आप देख दीजिए, जो सिनेमा जो है वह काम के बजाय कामाचार की ओर अधिक प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन आज का युवा वर्ग भ्रमित है, वो उसी से ज़्यादा प्रभावित है। युवा वर्ग की ओर आपने भी संकेत किया, और हम लोग भी एक चर्चा आपस में कुछ लोगों से कर रहे हैं कि हम युवा वर्ग को हमारी संस्कृति के बारे में सुपरिचित करें। हम स्वयं भी परिचित नहीं है वस्तुतः, क्योंकि जैसा कि आपने कहा ना कि हमारी ट्रेनिंग तो वो मेकाली वाली शिक्षा पद्धति से हुई है, इसलिए हमारा माइंड तो कंडीशन्ड है, और आवश्यकता है कि हमारे माइंड को हम डिकंडीशन करें। लेकिन जो युवा वर्ग है उसको हमारे संस्कृति के जो भव्य और उदात्त तत्व हैं वो बतलाएं, क्योंकि जब ऋषि कहते हैं कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्ववारा तो तभी होगी जबकि जो भव्य और उदात्त तत्व है उन्हीं को हम बताएंगे, उन्हीं का हम अनुसरण करेंगे। जो क्योंकि काल के प्रभाव में अनेक दूषण आए हैं हमारी संस्कृति में, हम अस्वीकार नहीं कर रहे, दोष तो बहुत आ गए हैं, विकृतियां बहुत हुई हैं, विकृतियों को तो हम हटाएं। अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग है व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज डेड, जो डेड है उसको तो हटाएं, उसका बोझ हमारे कंधे पर न रखें, लेकिन व्हाट इज लिविंग, जिसने कि हमारी संस्कृति को अभी तक जीवंत रखा है। जैसा इकबाल कहता है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है, तो वो बात क्या है, वो तत्व क्या है जो जीवंत है, जीवनदायिनी जो तत्व हैं उनको हम स्वयं जाने और दूसरों को भी जाने। जैसे हम जो है कला जो है वो तो यत्नोती है ना, काव्य इसलिए कहा कम यत्नोती इति काव्यम, कला काव्य का रूप तभी धारण करेगी जब उसको आप संप्रेषित करेंगे। संप्रेषण बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन किस रूप में उसका संप्रेषण हो यह एक विवेकशील मानव से ही अपेक्षित, और हम विवेकशील हैं। हमारे यहाँ पे जो पुरुष है उसकी उसके तीन लक्षण बतलाए हैं। ये पुरुष जो है वो है जो कि विवेकी ज्ञाता हो, सदसद धर्माधर्म उचित अनुचित का विवेक कर सके, विवेकी हो, उसमें इच्छा स्वातंत्र भी हो, स्वराट भी हो। स्वराट का कॉन्सेप्ट वेद में बड़ा महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने वेद का अध्ययन किया है वो जानते हैं किस प्रकार से हम जो है स्वराट की महिमा जो है वहाँ पे प्रतिपादित पाते हैं। अर्थात हम इच्छा स्वतंत्र रखें, हम जो है नियोजकर्ता न होकर के स्वतंत्रकर्ता हों। नियोजकर्ता और स्वतंत्रता का भेद महाभारत में बड़ा स्पष्ट रूप से उद्घाटित हुआ है। तो हम स्वतंत्रकर्ता हों, और हम ज्ञाता कर्ता के साथ साथ भोक्ता भी है। भोक्ता का तात्पर्य खाली भोग नहीं, उत्तरदायी, हम अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी हैं। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो कि हमको उन्नति की ओर ले जाए, सत्कर्म के रूप में हो। हम जो है योगस्थ कुरु कर्वाणी भगवद गीता कहती है, या कर्मण्येवाधिकारस्थ, तो कौन सा कर्म, वो सत्कर्म होगा, ज्ञान संपन्न कर्म होगा। उस तो यदि कलाकार जो है वह अपने ज्ञान को, क्योंकि अभिव्यक्ति ज्ञान की होती है, वह यदि समुचित रूप में व्यवस्थित कर सके तो कला लाभदायी होगी। कला मात्र कला के लिए नहीं है, कला जो है जीवन के उदात्तीकरण के लिए है, और वैदिक ऋषि ने हमेशा जो है यही बात बतलाई है। क्योंकि आनंद तो विश्व में है, मधुराधिपते है अखिलम मधुरम, यह हमारी मधु विद्या है ना, मधु आता इधारंते मधु क्षरंती
सिंधु इत्यादि इत्यादि तो माधुर्य तो है हमारे यहाँ पर। और एक बात और क्षमा कहना चाहूंगा, वो ये कि वो समन्वय वाला जो है ना, हमारे यहाँ कला के दोनों पक्ष हैं। कला जो है वह विषय से भी संबंधित है, वह विषय से भी संबंधित है। वह जो अनुभूति करता है उससे भी कला का संबंध है, और जिसका अनुभव हो रहा है उसका भी है। तो सत्य के दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्षों को हम चित्त के द्वारा ही, विवेक के द्वारा ही जान सकते हैं, और हम आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मैं इसके लिए प्रोफेसर बुद्धदेव शर्मा और प्रोफेसर शशि तिवारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अधिक समय ले लिया, क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।